मेरा नाम नियति एन शाह है और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ। आज मैक्स वुमेन के माध्यम से मैं आप तक पहुँची हूँ कुछ पेरेंटिंग टिप्स के साथ। तो हो जाए, आज का टॉपिक है बच्चों में अनुशासन, डिसिप्लिन। हम काफ़ी बार इस प्रॉब्लम को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं, इन बच्चों में डिसिप्लिन कैसे लाएं? तो प्रॉब्लम कहाँ है और हम क्या कर सकते हैं इसका? प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को मालूम है कि ये मम्मी और पापा तो पूरा दिन डिसिप्लिन के बारे में बात करते रहते हैं और उनको ये अच्छा नहीं लगता। हम पेरेंट्स भी जब से बच्चे उठते हैं जब तक वो सोते हैं हम यही बात करते रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे ब्रश करना, कैसे सोना, कैसे रोना, है ना? लेकिन क्या ज़रूरी है? वो ये है, हम पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि हमें डिसिप्लिन किस चीज़ का चाहिए। बच्चों से हर चीज़ का डिसिप्लिन तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का नेचर एक होता है, हमारा नेचर दूसरा, और हर घर में डिसिप्लिन का डेफिनेशन अलग होता है। किसी माँ बाप को खाने पीने में डिसिप्लिन चाहिए, किसी माँ बाप को टाइम के लिए डिसिप्लिन चाहिए, है ना? तो हमें ये पहले तय करना है कि हमें डिसिप्लिन किस चीज़ का लाना है हमारे बच्चों में। एक बार हम ये क्लियर हो जाएं कि नहीं, हमारे घर में टाइम के डिसिप्लिन तो ज़रूरी ही है, तो इसको लेके फिर हमें अपने बच्चों को समझाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें वो डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके बच्चे सीखते हैं। फिर बच्चों का नेचर जानना चाहिए कि ये बच्चे किस हिसाब से समझते हैं, थोड़ा डांट के, थोड़ा प्यार से, जब वो खुश होते हैं तब उनको समझाना चाहिए। और अगर एक डिसिप्लिन की तय हमने की है कि नहीं, ये टाइमिंग की डिसिप्लिन होनी ही चाहिए हमारे घर में, तो उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। कभी हाँ, कभी ना, कभी लेट चलना, कभी एकदम टाइम पे आ जाना, किसी का टाइम पे डांट देना, कभी जाने देना, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम डिसाइड करते हैं कि ये डिसिप्लिन हमारे घर में होनी चाहिए तो फिर होनी चाहिए, तो बच्चे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये ट्राई कीजिए और फिर देखिए। धन्यवाद।